बात करते हैं लीना मनी मेकलाई की, जो फिल्म काली की डायरेक्टर हैं और जिनके फिल्म के पोस्टर के रिलीज होने के बाद से एक विवाद जन्म ले चुका है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब बात करते हैं लीना मनी मेकलाई की, जो इस फिल्म की डायरेक्टर हैं, जिनके पोस्टर के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। बता दें कि लीना मनी मेकलाई का जन्म 1983 में मैदुर तमिलनाडु में हुआ था। पेशे से वो एक भारतीय अभिनेत्री, कवित्री और फिल्म निर्माता हैं। उनकी रचनाओं में 5 प्रकाशित काव्य संकलन और शैलियों में 1 दर्जन फिल्में शामिल हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भागीदारी की है। वर्तमान में ये कनाडा में रहती हैं और एक प्रोडक्शन कंपनी जिसका नाम लीना मनी मेकलाई प्रोडक्शंस है, उसकी मालिक भी हैं। लीना ने कई शॉर्ट्स फिल्मों का निर्देशन किया है। लीना ने 18 साल की उम्र में अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह किया था। बाद में वो इससे बाहर निकल गई। रिपोर्ट्स के अनुसार लीना की पहली फिल्म को सेंसर बोर्ड ने शुरुआत में ही मंजूरी नहीं दी थी, जिसमें अश्लील दृश्य और अश्लील भाषा, नग्नता और भारत और श्रीलंका के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डाला गया था। उन्होंने अपनी नवीनतम फिल्म मादनी एंड अनफेयर टेल के साथ इस तरह के सेंसरशिप मुद्दे का सामना करना पड़ा था। 2017 में लीना एक पोस्ट के माध्यम से फिल्म निर्माता शशि गणेशन को यौन शोषण करने वाला बता चुकी हैं। बाद में गणेशन ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था। काली की पहली स्क्रीनिंग पहले हफ्ते टोरंटो के आगा खान संग्रहालय में हुई थी। तब से ही उनकी फिल्म हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक चित्रण और उपरोक्ता के विवाद में घिरी हुई है।